दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा अपने भक्त की मरम पट्टी करने। दोस्तों भगवान श्री बजरंगबली जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो जितना प्रेम भगवान श्री राम से करते हैं उतना ही प्रेम अपने भक्तों से भी करते हैं, यह शिक्षा स्वयं भगवान राम ने उनको दी है। तभी तो राम हर पल हनुमान जी का ही स्मरण करते रहते हैं। भक्त चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो लेकिन हनुमान जी उसकी रक्षा जरूर करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। यह सच्ची घटना हमको राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले शेखावत जी ने भेजी है। दोस्तों शेखावत जी जो कि भगवान श्री बजरंगबली के बहुत ही परम भक्त हैं, उनके परिवार में सभी लोगों की बजरंगबली के प्रति काफी आस्था है और प्रभु की कृपा से उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार है। दोस्तों बात तब की है जब मैंने अपने सभी दोस्तों के साथ राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर जाने का निर्णय लिया, जिसके लिए हमने अगले ही हफ्ते की ट्रेन रिजर्व करवाई थी और उसकी तैयारी में जुट गए। आखिरकार वो दिन आ भी गया जिसका हमको इंतजार था। दोस्तों आज यानी 5 अक्टूबर 2016 को जब मैं और मेरे दोस्त ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि इसी दौरान हमारा ऑटो पलट गया और मुझको काफ़ी गंभीर चोटें आ गईं, जिसको देख मेरे दोस्तों ने मुझे सालासर बालाजी मंदिर ना जाने की सलाह दे दी। उनको डर था कि कहीं चोट अनरोड़ी ना हो जिसकी वजह से सफ़र के दौरान मुझको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों मैंने उनकी बात को टाल दिया और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए हम सब निकल पड़े। दोस्तों सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था मगर कुछ ही घंटों के बाद मेरी वो गंभीर चोट बहुत दर्द करने लगी। कभी कभी तो दर्द इतना ज्यादा हो जाता कि मेरे लिए उसको सहना भी नामुमकिन हो जाता। दोस्तों मैं अपना ध्यान बटाने के लिए प्रभु का गुणगान करने लगता। अगले ही सुबह जब हम मंदिर पहुंचे तो मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार था, लेकिन हम सभी लोगों ने मंदिर के दर्शन किए और कुछ देर वहीं भगवान श्री बजरंगबली के मंदिर में प्रभु के गुणगान करने लगे। दोस्तों इस मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और शायद इसी वजह से भी हमें समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। दोस्तों जब हम मंदिर से बाहर आए तो देखा कि रात होने लगी है और मेरी तबीयत वापस से ख़राब होने लगी है। मेरी वो चोट बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगी थी और उस पर सूजन भी आ गई। अब हमारी टेंशन बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ तक तो किसी तरह हम आ गए मगर अब मेरे लिए इस हालत में घर जाना मुमकिन नहीं था। दोस्तों इस समस्या को देख आज रात हमने मंदिर के श्रद्धालु कक्ष में आराम करने का निर्णय लिया और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि सच में अगर कोई अपने भक्तों के दुखों को हारता है तो वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं था कि उस रात जब अचानक मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने बगल में किसी साधु बाबा को पाया जो मेरे इस घाव पर लेप लगा रहे थे। मैंने उनसे पूछना चाहा कि वो कौन है मगर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो वहां से जाने लगे और जाते जाते एक वाक्य बोल गए। उन्होंने बोला कि बेटा तू अब बिल्कुल ठीक है और कुछ ही क्षण के बाद तू आराम से अपने घर जा सकता है। दोस्तों मैंने ये सभी चीज़ें महसूस तो की मगर मुझे इन सभी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसी क्षण जब मैंने अपने घाव को देखा तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरा घाव एक चमत्कार की तरीके एकदम से ठीक हो गया, ना ही उस जगह पर कोई दर्द था और ना ही सूजन। ये चमत्कार देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों घर पहुंचकर मैंने प्रभु श्री बजरंगबली के बजरंग बाण का पाठ करवाकर गरीब लोगों में भोजन का वितरण किया। आपको क्या लगता है कि ये मात्र एक सपना था या फिर वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली थे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।